दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल व्हीकल टीवी पे। दोस्तों जो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड वीडियोज है उन पे कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे। लोग बोल रहे थे कि सर ये जो लर्नर लाइसेंस है इसके लिए फीस पेमेंट कितनी लगती है वो आप बता दीजिए। तो दोस्तों इसी के बारे में पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। तो अभी आप देख सकते हो कि मैंने एक लर्नर लाइसेंस की पेमेंट रिसिप्ट ओपन कर रखी है और ये उत्तर प्रदेश का केस है। यहाँ पे ट्रांजैक्शन नाम आ रहा है इशू न्यू एलएल, उसके बाद क्लास ऑफ व्हीकल आ रहा है एमसीडब्ल्यूजी और एलएमवी यानी मोटरसाइकिल विद गियर और लाइट मोटर व्हीकल। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इनसे हम कौन कौन से वाहन चला सकते हैं तो इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है, उसको आप देख सकते हो। तो इसका जो चार्ज है दोस्तों, यहाँ पे फीस पेमेंट देख सकते हैं, 300 रुपये चार्ज है। और एलएल टेस्ट जो लर्नर लाइसेंस का जो टेस्ट होता है उसका 50 रुपये चार्ज है और जो टोटल चार्ज है वो 350 रुपये है। अब दोस्तों ये जो चार्जेज है, ये जो पेमेंट है लर्नर लाइसेंस की, अलग अलग आरटीओ में इसका जो चार्जेज है कम या ज्यादा हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश में ये चार्ज है दोस्तों, पे आरटीओ भी मेंशन है गौतम बुद्ध नगर, तो कहीं कहीं पे 1,000-1,500 रुपये भी चार्ज इसके बढ़ जाते हैं। इसमें ये होता है कि लर्नर लाइसेंस में कहीं कहीं पे पेमेंट ज्यादा ले लेते हैं, वहीं जब परमानेंट करवाते हो आप लर्नर लाइसेंस को वहां पे फीस इसकी कम हो जाती है। और यहाँ पे क्या है, आरटीओ गौतम बुद्ध नगर या आरटीओ गाजियाबाद की बात करें तो जो पेमेंट है स्टार्टिंग में कम होती है लर्नर लाइसेंस की, वहीं जब परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें 1,000 रुपये चार्ज हो जाता है, यानी 1,000 रुपये परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने के होते हैं। आप परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर देते हो और ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो 1,000 रुपये चार्ज लगता है। ये एलएमवी और मोटरसाइकिल विद गियर की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसमें यहाँ पे लर्नर लाइसेंस का 350 रुपये चार्ज और वहीं परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस का 1,000 रुपये चार्ज लगता है। अगर इसकी पूरी जानकारी आप जानना चाहते हैं तो इस पे इस चैनल पे ड्राइविंग लाइसेंस जो कैटेगरी है उस पे क्लिक करके आप सारी वीडियो देख सकते हो। सभी में मैंने आपको अच्छे से समझाया हुआ है, चाहे लर्नर लाइसेंस का प्रोसेस हो या परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस का, सर सभी वीडियो आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। चाहे आपका किसी भी तरीके का लाइसेंस अप्लाई करना चाहते हो, रिन्यूअल, डुप्लीकेट, एड्रेस चेंज, नेम चेंज, सबके रिगार्डिंग आपको वीडियो मिल जाएगी। तो उम्मीद है वीडियो आज की आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आज की आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कुछ भी आप पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।